अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाई सब लोगों के। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच शुरू हो गया है, दूसरा टेस्ट मैच। और जैसे हमने लास्ट मैच में डिस्कस किया था कि इंडिया को सेकंड टेस्ट मैच में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ना सिर्फ कमबैक करेगा बल्कि अपने बदला भी लेगा अपने पहले मैच की हार का। और वही दिखा आज, 180 पे ऑल आउट किया इंडिया को और 86 पे गालिबन एक आउट है सिर्फ। तो ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया है और मिचेल स्टार्क, जिसको वो कह रहा था जायसवाल दैट यू आर कमिंग टू स्लो, उसने पहली बॉल पे उसको आउट किया। बताया बेटा आप बब्बू इधर ही हैं, जो स्कूल के उस्ताद होते हैं ना उनको छेड़ते नहीं है, क्योंकि जब वो फिर मारने पे आते हैं तो फिर ऐसे मारते, 6 विकेट निकाल के गया वो। तो स्टार को छेड़ना गलत था जयसवाल की तरफ से, लेकिन चलो जयसवाल ने फिर भी यार अच्छा प्लेयर है, 160 170 रन बनाए थे अपने पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में जो खेला था। आज अनफॉर्चुनेट आउट हो गया, और स्टार एक बहुत ब्रिलियंट बॉलर है और उसी से ये एक्सपर्टीज उम्मीद करी जा सकती है कि वो इतना अच्छा बॉलिंग करेगा और ऐसा सेटअप करेगा। और इंडिया को ऑल आउट किया 180 पे। अब ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही मोहतात हो गया, क्योंकि बुमराह का खतरा मौजूद था। लास्ट टाइम 150 पे ऑल आउट करके खुद ये लोग लटक गए थे 105 110 पे। इस बार इन्होंने बहुत संभल संभल के बुमराह के नए ओवर्स निकाले और उसको सी ऑफ किया, और इंडिया को एक बताया कि नहीं भाई हम भी खेलने आए। अच्छा, ये टेस्ट मैच में आपको क्यों कह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया बहुत भारी आएगा इंडिया के ऊपर, और जीतने का भी चांस ऑस्ट्रेलिया का ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आपको पता है एक ऐसी टीम है जो कि कमबैक करती है, और ना सिर्फ कमबैक करती है, उनका मेंटली बहुत स्ट्रांग है। तो वो उनका मॉरल डाउन नहीं हुआ होगा पहले टेस्ट मैच के बाद, उन्होंने अपनी गलतियां एनालाइज की होंगी कि हम कहाँ कहाँ गलत पड़ रहे हैं, और वो चीज़ें उन्होंने सॉर्ट की होंगी और उस चीज़ पे उन्होंने काम करके अब ये इस मुकाम पे पहुंचे कि उनको साइड में कर दिया बिल्कुल इंडिया को पहले ही दिन। और अब अगर 2 3 दिन ही अच्छी बैटिंग कर पाते हैं तो ये इंडिया के लिए कमबैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इस टेस्ट मैच में। कल का शुरू का चांस है सिर्फ इंडिया के पास, अगर उनको जल्दी आउट कर पाए। अगर कल ऑस्ट्रेलिया ने लंबी बैटिंग कर दी तो इंडिया का चांस 50% तो ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। अब लास्ट टेस्ट मैच में बात हुई थी कि रोहित शर्मा को, मैं कह रहा था कि भाई बेहतर है इंडिया के लिए कि रोहित शर्मा को नहीं खिला, क्योंकि बुमराह की कप्तानी भी अच्छी थी और जो कॉम्बिनेशन बन गया था पहला टेस्ट मैच के बाद वो बहुत अच्छा बन गया था, और वही आज साबित हुआ। रोहित शर्मा 6ठे नंबर पर खेल रहे हैं, ना वो उसका नंबर है, ना ये इंडिया के लिए अच्छा है, ना उसके लिए अच्छा है, ना टीम के कॉम्बिनेशन के लिए अच्छा है। 6ठे नंबर पर आप बेहतर था कि जडेजा जैसे प्लेयर को ले जाते या आप कोई और बैट्समैन को खिला सकते थे, आपने उसी से चलाया और 6ठे नंबर पे रोहित शर्मा आया। अब शुभमन गिल को खिला दिया वन डाउन पे, और जायसवाल और राहुल को चलो ओपन कराया, तो रोहित शर्मा लेकिन फिर भी 6ठे नंबर का प्लेयर नहीं है, ना उसको आना चाहिए और वो नहीं खेल पाया। तो ये अगले टेस्ट मैच के लिए इनको पहले से बैठना पड़ेगा कि इसके शॉर्ट करें नंबर्स को अपने और किस तरीके से सारों को एक साथ खिलाएं। ठीक है जी, अगर करेंगे तो इंडिया के लिए फायदा है, वरना फिर जिस तरीके से आज हुआ है वैसे आगे भी होगा। सही है, सब लोग अपना ख्याल रखेंगे और कल पे कल बात करेंगे। और इंडिया इतनी स्ट्रांग पोजीशन में लग नहीं रहा, अगर इंडिया कमबैक कर जाए तो बहुत सरप्राइजिंगली बहुत ही अजीब सी बात हो जाएगी, लेकिन लग ये रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ये टेस्ट मैच और ये पूरा कल का दिन और अगला पूरा टेस्ट मैच ये ऑस्ट्रेलिया निकाल देगा। सब लोग अपना ख्याल रखेंगे, अल्लाह हाफिज़।